हाँ जी, तो गाइस अब हम निकल चुके हैं ट्रिप के लिए, और ट्रिप के अंदर हमारे साथ है काका जी, पीछे महावीर और आकाश, और आगे हूँ मैं। तो हमें निकले हो गए ऑलमोस्ट 10 मिनट, और 6-7 किलोमीटर हमने कवर किए हैं, और हम पहले जाएंगे दिल्ली करोल बाग, थोड़ा गाड़ी के अंदर सीट कवर वगैरह लगवाने हैं तो वो लगवा के, और फिर सीधे निकलेंगे या तो वैष्णो देवी या फिर गोल्डन टेम्पल, दोनों में से एक जगह निकलेंगे। और सबके अंदर जोश बराबर भरा है, एकदम साइलेंट बैठे हैं, पीछे वालों को रात भर नींद नहीं आई। नींद तो मुझे भी नहीं आई रात को, इसको भी नींद आई, मुझे तो नींद आई बढ़िया, 4-4.5 घंटे बढ़िया सोया, और पीछे वालों को पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। इनको एक्साइटेड था ना, फर्स्ट टाइम एक्साइटेड नहीं था, इनको ऐसा लग रहा था कि पैसे लगने वाले हैं, पैसे लगने वाले हैं, छोड़ जाएगी क्या पता है, छोड़ के तो नहीं जाएंगे क्योंकि अकेला से तो मेरे से भी ट्रिप नहीं हो सकती। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो दोस्तों अब हमने फर्स्ट स्टॉप लिया होटल हाईवे किंग पे, और यहाँ कोई नहीं हमारे अलावा, और जो मेरी वाली जो गैंग है वो देखो आप खाने दीजिए, इनको फोटो भी चढ़ने की, बस इनको दीवार दे दो फोटो की, चलो इनको जाने से कोई मतलब ही नहीं, देखो लग गए अपने, और इन्होंने इस बार फोटोग्राफर हायर किया है ये देखो। तो अब यहाँ पे अपन ने कॉफ़ी मंगाई है और कुछ स्नैक्स मंगाए, तो वो लेते हैं और फिर निकलते हैं। देखो यहाँ पे भयंकर ठंड हो रही है, और कॉफ़ी एक नंबर थी क्या कॉफ़ी, वो भी एक नंबर, इन्होंने एक्स्ट्रा चीनी डाली क्योंकि वहाँ चीनी फ्री की पड़ी थी, थोड़ी नहीं इन्होंने चीनी, हाँ देखो महावीर है ना, 3-4 से चिट बच गए थे आखिरी बना ली, और आपको मैं दिखाता हूँ महावीर का बचपन, दिखाता हूँ देखो वो बैठा, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और वहां पे हमारी गाड़ी है। हाँ जी, तो अपन निक्कू कार डेकोर पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे मैंने गाड़ी के अंदर म्यूज़िक सिस्टम और स्पीकर्स वगैरह लगवाए हैं, और सीट कवर लगवाए हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में डाले हैं इन्होंने, और काफ़ी सारा काम मैंने करवाया है इसके ऊपर, एक प्रॉपर मैं वीडियो डालूँगा वो थोड़े टाइम बाद डालूँगा ट्रिप से फ्री होने के बाद। बाकी काफ़ी अच्छा काम किया है निक्कू भैया ने मेरा, इनका खुद का चैनल भी है निक्कू कपलर के नाम से, आप लोग जाके सर्च कर सकते हो, और कोई भी काम करवाना हो कपलर टू कपलर तो निक्कू कपलर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अपन इन्फिनिटी के स्पीकर लगवा रहे हैं, और ये देखो मेरे टीम के, हेलो गाइस, तो भाई कहाँ बैठा रखा यार, ये कारखाना में कहीं हो इन तीनों को घुमाने लाया था, और ये तो पहली बार निकला, इसने दिल्ली पहली बार देखी है, तूने पहली बार देखी है, दूसरी बार, ये दूसरी बार देख रहा है, ये पहली बार देख रहा है, वो शायद दूसरी तीसरी बार देख रहा है, पहली बार ही देखी तो पावड़ मना रही थी, पहली बार कब देखी थी यार, एक बार आया था मैं यहाँ से, एक थारी सोकन साला मैं ये लोग माय बाबा को ये रही दुआ रही हूँ तुझे कहाँ तेरी को कड़ी की तो कहीं लेवा की दिल्ली में था ताकू तू कह रहा है जोरी तो बबी को ना अब अपन फोग लैंप डलवा रहे हैं और एलईडी डलवा रहे हैं आगे गुस्से में हो गए हमारे महावीर जी, परेशान हो गया था महावीर ब्रो, पोजीशन सही ले रखी आपने, हाथ मत लगा दी खा जा, चलो गाइस थोड़ा काम करवा के फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो गाइस अब गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट कराने के बाद हम निकल गए गोल्डन टेंपल के लिए, काफी लेट हो गया क्योंकि निक्कू के भाई के पास बहुत सारी गाड़ियां थी इस वजह से,
अगर निकू भैया को रेटिंग करूँ तो 10 में से 8 रेट करूंगा, क्योंकि काम तो उन्होंने अच्छा करा दिया लेकिन बंदे पंक्चुअल नहीं है उनके। क्या क्या काम करवाया इसकी डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अभी हम निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट हमें लग जाएगा 4 से 5 घंटे। फिलहाल हम रोहतक की तरफ जा रहे हैं, तो रोहतक से बाईपास लेंगे सीधा, और सबके मुंह उतर चुके हैं, ऑलमोस्ट सबके मुंह उतर चुके हैं। देखो बिल्कुल स्माइली, इनके तो पेट में दर्द हो रहा है कब से, और पीछे वालों की तो आपने देखा था, जैसे वीडियो में शुरू में देखा होगा आपने, कुत्तों के साथ बैठे थे वैसी शक्ल लेके बैठे हैं। अपने कुत्ते के साथ ही बैठा हूं। पीछे कुत्ता बैठा है और ट्रैफिक है जो कुछ इस तरीके से। हमें गाड़ी का अलाइनमेंट भी कराना है, क्योंकि अलाइनमेंट पता नहीं कैसे आउट हो गया, ना तो हमने कहीं बम में कुदाई और कुछ, लेकिन आउट है गाड़ी, लेफ्ट को मार रही है बार बार। चलो जल्दी मिलेंगे, खाना वाना खाएंगे तब बात करते हैं। हाँ तो आप सब लोग देख सकते हो LED लाइट्स का रिस्पांस, और ठीक रिस्पांस है, पहले वाली से तो काफ़ी बेटर है और अच्छा भी लग रहा है। हाँ तो भाई लोगों, हम अब डिनर ले रहे हैं, सुबह हम खाना नहीं खा पाए थे, किसी काम में उलझ गए थे, और ये बुरा लिया। सबके मुंह उतर चुके हैं, काका की थोड़ी तबीयत भी खराब थी आज। अब ठीक है, खाना दिखते हैं अभी थोड़ा ठीक हो गया है, और आकाश से जो अपने प्याज अलग कर रहा है। तो अब खाना वाना खाते हैं, और फिर उसके बाद में पानीपत जाके पानीपत पे सोच रहे हैं कि हम रुक जाएं आज। चलो फिर मिलते हैं।